माय नेम इज प्रिया अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंग्लिश का टर्म वाइज सिलेबस। इसके पहले कि अगर आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है कमर्शियन टॉक्स को, तो जाके जल्दी से फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वन मोर न्यू थिंग, इस वीडियो में हम लोग ने कुछ टारगेट्स रखे आपके लिए। सो आपको करना है 50 प्लस लाइक्स और जाके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो अपना जो इस बार के एग्जाम है वो दो टर्म्स में होना है, टर्म वन एंड टर्म टू में। जो अपना टर्म वन है वो दिसंबर के मोस्ट प्रॉब्ली होगा और जो टर्म टू है वो अपना मार्च के आसपास होगा। ओके सो लेट्स सी एग्जाम पेपर किस पैटर्न में है। फाइन सो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपको रहेगा पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आपको दो अनसीन पैसेज रहेंगे विच विल बी कवरिंग 14 मार्क्स। फाइन सो कैसे सॉल्व करना है ये अनसीन पैसेज, क्या ट्रिक्स हैं इसके लिए, इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके देन अपन आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको पूरा राइटिंग स्किल्स का पार्ट है, जिसमें कि आपको ये चार चीज़ें पढ़नी है, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट्स, लेटर टू एडिटर एंड आर्टिकल राइटिंग। ये जो लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग है इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन अपन पढ़ेंगे दोनों। ओके ये होते काफ़ी लेंदी हैं, अपन को एटम और मिनट टॉपिक्स मिलते हैं इनमें लिखने के लिए, बट अगर अपन कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो अपन ईजिली वो कर पाएंगे। ओके तो इसके भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको इनके लेक्चर्स टाइम टू टाइम चाहिए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उनके नोटिफिकेशन बेल को भी। ओके देन आते हैं अपन सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका रहेगा पूरा लिटरेचर वाला पार्ट, जिसमें कि आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट टू एक्सेस, मतलब आपको MCQ रहेंगे, ये पूरा अपना MCQ फॉर्म में है। देन क्या MCQs रहेंगे, जो आपके चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं अपने, जैसे कि लास्ट लेसन, लॉस ऑफ स्प्रिंग, डीप वाटर, ये जो भी है आपको इसका एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। फाइन तो इनके भी क्या ट्रिक्स हैं, कैसे सॉल्व करना है, इसका भी एक लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। देन अपन आते हैं फ्लेमिंगो बुक के प्रोज में। इसमें आपको तीन चैप्टर्स आने हैं, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। ओके जिसमें से कि लास्ट लेसन जो है अपना हो चुका है। अगर आप लोगों ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें आपको पूरी कंप्लीट समरी मिलेगी। फाइन देन फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री से आपको आना है माई मदर एट 66 एंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। फाइन एंड ऑल्सो कीपिंग क्वाइट। देन आपको विस्तार से आना है द थर्ड लेवल एंड द एनिमी। जो अपना फ्लेमिंगो वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस आपको कुछ 30-40 वर्ड्स में लिखने के लिए होंगे, और जो ये है अपना कुछ 150-200 वर्ड्स होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही आए, यहाँ का भी कुछ आपको लेंदी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है तो इन सब का आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं लेना है अपन को, आराम से अगर अपन सारी समरीज देखेंगे, समझ लेंगे, तो अपन खुद भी फ्रेम कर सकते हैं आंसर। ओके तो उसके लिए आपको सारे लेक्चर्स फॉलो करना पड़ेंगे। देन अपना ये जो टोटल बनता है पेपर वो होता है 40 मार्क्स का। ओके ASL जो है वो 10 मार्क्स का एडअप हो जाता है, जो आपके इंटरनल होते हैं, जो आपके टीचर्स वगैरह लेंगे। ठीक है सो ग्रैंड टोटल अपना जो टर्म वन है वो कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। ओके सो अपन ने ये पूरा टर्म वन डिस्कस कर लिया है, अब अपन डिस्कस करते हैं टर्म टू। ठीक है तो अब अपन लोग टर्म टू के बारे में बात करते हैं। सो सेक्शन ए वही रहेगा जो अपना टर्म वन था, पूरा पैटर्न वैसे ही है, बस कुछ टॉपिक्स चेंज हो गए। ठीक है सो सेक्शन ए में क्या अपने टू अनसीन पैसेज अगेन वैसे रहेगा, उसका भी वीडियो आप लोग का अवेलेबल हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स में अपना चेंज हुआ है टॉपिक्स, इन्विटेशन पढ़ना है अपन को, लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब पढ़ना है, देन रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है। मार्किंग स्कीम सबकी वैसे ही रहेगी। ओके अगेन ये भी तभी होगा अपन लोगों जब अपन उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस देंगे, वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। सेक्शन सी में आते हैं अपना वही लिटरेचर वाला पार्ट, उसमें भी MCQs रहेंगे, वही एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको, जो चैप्टर में अपने चैप्टर अपन पढ़ के जाएंगे उसका एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसके MCQs रहेंगे। देन अपन आते हैं वही फ्लेमिंगो बुक के प्रोज में से, आपको इसमें क्या आना है, द रैट ट्रैप एंड इंडिगो। फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री से क्या आना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट जेनिफर्स टाइगर। विस्तार से, शुड विजार्ड हिट मॉमी, ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ओके ये भी 30-40 वर्ड्स में रहते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। विस्तार में अपना ये रहेगा 150-200 वर्ड्स के लिए। ओके
सो अगेन अपना टोटल अपना 40 पड़ता है, 10 का ASL एड अप होके अपना ग्रैंड टोटल बनता है 50, टर्म टू भी अपना 50 मार्क्स का रहेगा, ओके। तो अपन लोगों ने आज टर्म 1 टर्म 2 इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सो गाइज डोंट फॉरगेट कि आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम में और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, एंड ऑल्सो आपको याद है ना टारगेट 50 लाइक्स का, कम ऑन गो फॉर इट। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।